हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना का कहर, चीन में इतने हालात बेकाबू हैं कि कई जगह शवों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने पड़े हैं। पिछले दो दिनों में हर दिन औसत 8,000 लोग दम तोड़ रहे हैं, यानी कि हर दिन औसतन 8,000 के दम तोड़ने की खबरें आ रही हैं और बड़े बड़े कंटेनर मंगाए गए हैं। चीन में हर दिन 1 करोड़ लोगों के संक्रमित संबंधी एक रिपोर्ट के बाद चीन के ही सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स देश के ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी की बात स्वीकार की है। इस खबर के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर लोगों से अनुरोध किया है। इसी बीच चीन की पत्रकार जेनिफर जेंग ने दावा किया है कि देश में पिछले दो दिनों में हर दिन औसत 8,000 लोग दम तोड़ रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हैं कि कई जगह शवों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज खाली कराने पड़े हैं ताकि अंत्येष्टि के लिए कतारों को काबू में रखा जा सके। वहीं अगर हम भारत की स्थिति देखें तो कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ने के बावजूद भारत में राहत की स्थिति है। देश में कोविड 19 की जांच बढ़ाने के बावजूद संक्रमितों की संख्या व दर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसी बीच चीन से कुछ दिन पहले आगरा लौटा एक युवक संक्रमित मिला है। इसमें ओमिक्रॉन के BF7 स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि संक्रमित युवक को उसके ही घर में क्वारंटीन किया गया है। उसके नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा जाएगा, उसी से पता चलेगा कि वह कोरोना से किस रूप से संक्रमित है। भारत में BF7 के घातक होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम है। हैदराबाद स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक विनय के नंदीकुरी ने कहा है कि भारत में BF7 स्वरूप के चीन की तरह घातक होने का खतरा कम है, क्योंकि उन्होंने अपने देश में पहले से ही हर्ड इम्यूनिटी विकसित की गई है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।